वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। आज हम आपके सामने वीडियो लेके आए हैं बेस्ड ऑन नेशनल हाईवेज इन मध्य प्रदेश। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मोस्ट अवेटेड वीडियो था। सभी बच्चों ने बोला था कि सर नेशनल हाईवेज पे वीडियो बना दीजिए, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन नेशनल हाईवेज पे आता है बेस्ड ऑन जो जो एमपी से निकल रहे हैं या फिर इंडिया लेवल पे, राइट। सो बेसिक चीज़ें जो हम देखेंगे अबाउट इंडिया एंड एमपी इन द करेंट वीडियो। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था रिगार्डिंग खजुराहो, सागर, जबलपुर एंड मंडला, ये प्लेसेस दिए गए थे एंड आपको मैच द फॉलोइंग करना था कि कौन सा स्टेट नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे किस सिटी से जा रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बात आपको याद रखनी है कि द ईयर ऑफ रोड्स इन मध्य प्रदेश वॉज डिक्लेयर्ड एट 2004। डायरेक्ट प्रीलिम्स क्वेश्चन आएगा, यू नीड टू टेक 2004। दूसरी बात, रैंक्स फोर्थ इन टर्म्स ऑफ रोड लेंथ आफ्टर महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेशनल हाईवे की लेंथ पासिंग थ्रू एमपी इज 8940 किलोमीटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड एमपीपीएससी आस्क्स दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। ब्यावरा इज कॉल्ड एज द क्रॉसिंग ऑफ नेशनल हाईवेज इन एमपी। सो नेशनल हाईवेज की क्रॉसिंग कहा जाता है ब्यावरा को। सो ब्यावरा वेयर इट इज लोकेटेड हियर इन राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट। सो दिस ब्यावरा इज कॉल्ड एज द क्रॉसिंग ऑफ नेशनल हाईवेज इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। जैसे कि आप सभी ने नेशनल हाईवे के बारे में ये बात आपको जानकारी होगी कि रीनेमिंग की गई है। सो रीनेमिंग के बाद बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर कैसे चीज़ों को याद किया जाए। तो बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा जिससे आप कभी भी नेशनल हाईवेज स्पेशली एमपी के कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम में आपको थोड़ा भी आइडिया है या मेरे लेक्चर्स याद रहेंगे तो ईजिली क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। चलिए अब नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया के बारे में मैं बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि नेशनल हाईवे 44 की जो अपडेटेड लेंथ है वो 4112 किलोमीटर है, लेकिन अभी भी बहुत से एग्जाम्स में ये ऑप्शन आ रहा है। जो पुरानी डिक्लेयर्ड वैल्यू थी 3745, NH27 की 3507, NH48 2807, NH52 2317। ये नेशनल हाईवेज कहाँ से जाते हैं वो हम देख लेंगे, बट द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे स्टिल इज NH44। आज की डेट में जो नेशनल हाईवे 44 है ये लॉन्गेस्ट है। तो ये स्टार्ट होता है श्रीनगर से। देखिए मैं मैप से ड्रॉ भी करते जा रहा हूँ आपके लिए, राइट। सो दिस इज योर नेशनल हाईवे 44 जो लिखा भी हुआ है मैप में। आई एम जस्ट ड्रॉइंग ऑन द लाइन एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस नेशनल हाईवे एंड्स एट तिरुवनंतपुरम, राइट, नियर तिरुवनंतपुरम इन कन्याकुमारी। सो श्रीनगर टू कन्याकुमारी, सो दिस इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। जो सेकंड नंबर पे NH27 आ रहा है, दिस इज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अभी जो आपने देखा NH44, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर था। अब मैं आपको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बता रहा हूँ, दैट इज 27। सो पोरबंदर गुजरात से शुरू होता है ये एंड इट गोज लाइक दिस, ये आप देख रहे हैं, राइट, इट इज गोइंग लाइक दिस एंड फाइनली सिलचर इन आसाम। तो इस तरह से ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्रिएट हो रहा है एंड दिस इज योर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। सो दो मेन नेशनल हाईवेज मैंने आपको बता दिए जिनमें आपस में लेंथ सबसे ज्यादा है और फर्स्ट और सेकंड रैंक में ये नेशनल हाईवेज रहते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहां से कहां तक है, तो आंसर कर दीजिएगा पोरबंदर से सिलचर, और ये पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर से कन्याकुमारी। तो ये एक बेसिक आउटलाइन था। इसके अलावा एक और फैक्ट आपको मैं बता दूं रिगार्डिंग द नेशनल हाईवेज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो बात ये है कि नेशनल हाईवेज की जो नंबरिंग है वो नॉर्थ टू साउथ अगर कोई नेशनल हाईवे आ रहा है यानी वो वर्टिकल है तो वो इवन नंबर होगा, और अगर कोई भी नेशनल हाईवे ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है या हल्का सा स्लैंट भी है, इन दैट केस इट विल बी ऑड नंबर। अब ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आपको आगे सारे की सारे नेशनल हाईवेज एमपी के याद करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको मैंने बता दिया है कि नेशनल हाईवे 44 नॉर्थ टू साउथ एंड दिस इज योर ईस्ट टू वेस्ट, अगेन द सेम मैप। तो ये चीज आपको याद रखनी है एंड एक इंपॉर्टेंट बात कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इसके अलावा एक होता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो अगर आपके एग्जाम में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड चीजें आती हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली से मुंबई एंड देन मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता
एंड देन अगेन कोलकाता टू कानपुर, देन आगरा एंड दिल्ली. सो दिस इज योर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. तो सर इसके नेशनल हाईवे के नंबर क्या है, तो आपको मैं बता दूं, आप में से अगर कोई दिल्ली गया हो, जयपुर गया हो, आपको नेशनल हाईवे 8 सुना होगा, जो ओल्ड नंबरिंग थी नेशनल हाईवे 8, जिसका नाम बदल के अब कर दिया गया है 48. तो दिल्ली से लेके मुंबई एंड मुंबई से चेन्नई तक ये 48 चलेगा, उसके बाद चेन्नई से कोलकाता तक ये 16 चलेगा, एंड कोलकाता से दिल्ली तक ये 19 चलेगा. और मैंने अभी आपको बताया कि वर्टिकल सेक्शन इवन में है, सो दिस सेक्शन इज इन इवन नंबर 48 एंड दीज आर कंसिडर्ड एज द हॉरिजॉन्टल और स्लैंट सेक्शंस, दे आर इन ऑड नंबर, स्पेशली 19 एंड 16 इज अगेन वर्टिकल, सॉरी, एंड इट इज इवन नंबर. तो इवन एंड ऑड के कंसेप्ट से आपको चीजें याद रखने में बहुत ज्यादा ईजी रहेगा. चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, दिस इज रिगार्डिंग द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, द सेम मैप, द टोटल लेंथ ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, विच इज 5846 किलोमीटर, राइट. एंड नेशनल हाईवे का नंबर क्या है, 48, 16 एंड 19, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इसके पहले हमने अभी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देखा था, तो नॉर्थ टू साउथ वाला 44 था एंड ईस्ट टू वेस्ट वाला 27 था. ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आपको एमपी के मैप में क्लियर होगा, क्योंकि यही नेशनल हाईवेज जो हैं अब क्रॉस करेंगे एमपी से, स्पेशली 44 इज अवर मेन टारगेट. चलिए दिस इज अवर मध्य प्रदेश, राइट. तो अब यहाँ पे जो मेजर पॉइंट्स आते हैं ये देख सकते हैं आप, ग्वालियर, ब्यावरा, जो मेजर पहले हॉटस्पॉट्स बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में ऑप्शन देखने को मिलेगा, राइट. लास्ट टाइम एग्जाम में जो ऑप्शंस थे मैंने आपको बताया, खजुराहो, मंडला, जबलपुर और सागर, इन चार सिटीज पे बेस्ड उन्होंने नेशनल हाईवेज पूछे थे, राइट. तो एक और बेसिक कंसेप्ट मैं बता देता हूं आपको, कि जो मैंने इवन और ऑड का कंसेप्ट बताया उसमें भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहां से कहां तक है. जैसे From east to west जाएंगे तो odd numbers increase होंगे, तो odd numbers increase होंगे, right? और अगर north to south आएंगे तो even numbers increase होंगे, right? तो ये वाली चीज का आप ध्यान रखेंगे. कैसे होगा अभी मैं आपको बताऊंगा. जैसे नेशनल हाईवे 46 है, सबसे पहले हम 46 से शुरू करेंगे, बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन मध्य प्रदेश. तो नेशनल हाईवे 46 से 634 किलोमीटर, ये भी पूछा जाएगा कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की लेंथ क्या है, 634, इसको याद रखने की ट्रिक भी है, 46 रिवर्स करेंगे 6 एंड 4, राइट. 6 एंड 4 याद रहेगा, फिर 634, आप इस तरह से चीजों को याद रख सकते हैं, ठीक है. देखिए कहां से कहां तक जाएगा, मैं ड्रॉ कर रहा हूं मेरे साथ साथ, आप लोग भी याद करते जाइएगा. ग्वालियर, ग्वालियर से जाएंगे शिवपुरी, शिवपुरी से गुना, गुना से ब्यावरा, और ब्यावरा से भोपाल, और भोपाल से अब्दुल्लागंज, अब्दुल्लागंज से नर्मदापुरम, नर्मदापुरम से बैतूल, एंड यहाँ पे बैतूल पे आके आपकी रोड खत्म हो जाएगी, राइट. सो दिस इज योर नेशनल हाईवे 46. एक एक करके मैं ड्रॉ करता जाता हूँ, इजिली आपको याद हो जाएगा. दूसरा नेशनल हाईवे 44, देखिए ये भी नेशनल हाईवे 44, अगेन द सेकेंड द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, एमपी में ये सेकेंड नंबर पे है. अब ये भी ग्वालियर से आ रही है, ग्वालियर से झांसी, एंड जैसा आपको दिख रहा है ग्वालियर से झांसी, झांसी से सागर, राइट. तो उसके बाद ये यूपी में आएगी, यूपी बॉर्डर से सागर, सागर के बाद करेली, नरसिंहपुर, लखनादौन. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लखनादौन से सिवनी, एंड देन इट विल मूव टूवर्ड्स द नागपुर. तो नागपुर इज इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट. सो दिस इज योर नेशनल हाईवे 44, मैं यहाँ लिखते भी जा रहा हूँ, 44 हो गया, देन 46 हो गया, 47, दिस इज ऑड नंबर, तो आपको पता है कि ऑड नंबर है तो हॉरिजॉन्टल होगा. देखिए गुजरात बॉर्डर से शुरू हो रहा है झाबुआ से, राइट. तो यहां से हम दाहोद से शुरू करते हैं, दाहोद से शुरू करके झाबुआ, उसके बाद राजगढ़, धार, गाटा बिल्लोद, बेटमा, बेटमा होते हुए हम इंदौर आ जाएंगे, इंदौर से हम खातेगांव एंड कन्नौद होते हुए हरदा, एंड देन यहाँ पे बैतूल के पास रोड मिलेगी, राइट. और फिर यहाँ पे बैतूल से ये आगे जाएगा. एक बात हमेशा याद रखें, हॉरिजॉन्टल में नंबरिंग जो डोमिनेट करती है वो ऑड नंबर वाली ही होती है. सो इफ दिस इज योर 47, तो इसमें अगर 46 आके मिलेगा तो 46 विल टर्मिनेट हियर एंड हॉरिजॉन्टल 47 विल कंटिन्यू टिल नागपुर. नेक्स्ट इज नेशनल हाईवे 45, अगेन ऑड नंबर हॉरिजॉन्टल होगा, राइट. सो अमरकंटक,
कबीर चबूतरा, कबीर चबूतरा इज एट अमरकंटक, तो अमरकंटक से ये चीज़ शुरू हो रही है, देन यहाँ से जा रहा है डिंडोरी, डिंडोरी के बाद शाहपुरा, शाहपुरा के बाद इट रीचेज जबलपुर, इसके बाद बाड़ी, बरेली एंड गौहरगंज से होते हुए इट विल गो टू अब्दुल्लागंज। अब अब्दुल्लागंज में ये नेशनल हाईवे खत्म हो जाएगा। कुछ बुक्स में ये नरसिंहगढ़ तक दिया हुआ है लेकिन वो सही नहीं है, बिकॉज अब्दुल्लागंज के आगे ये वाला जो पैच है इट इज नेशनल हाईवे 46। तो 45 जो है यहाँ पे अब्दुल्लागंज पे एंड हो जाएगा, इट स्टार्ट्स विद अमरकंटक। लेकिन पीछे कहाँ जा रहा है, पीछे इट इज गोइंग टूवर्ड्स द बिलासपुर रीजन। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक आउटलाइन ऑफ द नेशनल हाईवे जो इस पेज में थे। तो आप देख सकते हैं कि वर्टिकल के मैंने दो कवर किए जो कि इवन नंबर्स थे, 46 एंड 44, हॉरिजॉन्टल के दो कवर्स किए 47 एंड 45। लेट्स सी अहेड। दूसरा है देखिए ऑप्शन NH 30। अब 30 है इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो वर्टिकल होगा, बात क्लियर हो जाती है। तो देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, अलाहाबाद, अलाहाबाद से इट एंटर्स इनटू रीवा, रीवा के बाद यहाँ से वो कटनी जाएगा एंड कटनी से वो जाएगा जबलपुर। अब जबलपुर को जाने के बाद इट टर्न्स टूवर्ड्स द मंडला एंड मंडला के बाद इट विल गो टूवर्ड्स द रायपुर। इसके पहले 45 जो था वो बिलासपुर जा रहा था एंड ये जो 30 नंबर नेशनल हाईवे है इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द रायपुर। सो ध्यान देने वाली बात है कि इस साल भी ऑप्शन में 30 था और मंडला था जो 2021 का प्रीलिम्स हुआ था, सो मंडला ऑप्शन दिया हुआ था और नेशनल हाईवे 30 भी था। वो क्वेश्चन भी मैं स्लाइड में लेके आया हूँ, आगे वीडियो में आपको दिखेगा। नेक्स्ट नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 39। सो नौगांव, खजुराहो, पन्ना नाउ, 39 है, ऑड नंबर है, हॉरिजॉन्टल होगा, देखते हैं। सो यहाँ पे नौगांव से कहानी शुरू होती है, सो नौगांव के बाद खजुराहो, तो यहाँ से इट गोज लाइक दिस, देन खजुराहो, देन पन्ना, देन सतना, देन रीवा, देन चूरहट इन सीधी, देन सिंगरौली एंड इट गोज लाइक दिस टूवर्ड्स रांची, राइट। तो ये भी थोड़ा सा एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए कि स्टेट के बाहर अगर जा रही है तो किधर की तरफ नेशनल हाईवे एक्सटेंड होगी। तो दिस इज योर नेशनल हाईवे 39, दिस इज योर नेशनल हाईवे 39। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये वही मैं लिस्ट लेके आया हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे जो सिटीज की प्लेसेस दिखेंगी वो आपको इन्हीं नेशनल हाईवेज में से दिख जाएंगी। ठीक है, सारे नेशनल हाईवेज में एक बार और समराइज भी करवा दूंगा, डोंट वरी। नेशनल हाईवे 34 इवन नंबर है, वर्टिकल होगा, ठीक है। सो छतरपुर, हीरापुर, दमोह, जबलपुर, तो ये कहानी शुरू होगी छतरपुर से, फिर हीरापुर, फिर यहाँ पे दमोह, दमोह के बाद ये जबलपुर, जबलपुर के बाद ये लखनऊ में एंड हो जाएगा, ठीक है, लखनऊ में एंड हो जाएगा। अब लखनऊ में पहले क्या हो रहा था, अभी से हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि 44 आ रही थी यहाँ से झांसी, झांसी से सागर, सागर से करेली, नरसिंहपुर, लखनऊ और फिर सिवनी, तो इसमें 44 में 34 आके मिल जाएगी, ठीक है। तो 44 इज द डोमिनेंट नेशनल हाईवे हियर। नेशनल हाईवे 52 अगेन वर्टिकल, ये बहुत ज़्यादा नेशनल हाईवे है, ये MPPSC ने दूसरे एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 52 संगरूर टू अंकोला इन कर्नाटका, तो संगरूर कहाँ है, पंजाब में, तो वहाँ से आ रही है। इट एंटर्स फ्रॉम राजगढ़, इट एंटर्स फ्रॉम राजगढ़ एंड कम्स टू ब्यावरा। अब ब्यावरा में आपको पता है कि हमने पहले शो ड्रॉ किया था कि ऐसे 46 आ रही थी ब्यावरा से, फिर भोपाल, नर्मदापुरम, बैतूल और यहाँ पे आके रुक गई थी। तो ये जो राजगढ़ से आ रही है ये ब्यावरा, ब्यावरा से इंदौर वाया देवास जो कि AB रोड, आगरा बॉम्बे रोड भी हम इसको बोलते हैं, इसके बाद ये मऊ होते हुए, खलघाट होते हुए सेंधवा जाएगी और फिर यहाँ से महाराष्ट्र एंटर हो जाएगी एंड इट विल गो टूवर्ड्स धुले। सो दिस इज योर नेशनल हाईवे नंबर 52। सो 52 हो गया है, 46 हो गया है, 44 हो गया है, ये हमने पिछली स्लाइड में देख लिया था और यहाँ से हमने 47 भी देख लिया था, राइट। सो धीरे धीरे हमारा मैप कंप्लीट होता जा रहा है, ठीक। नेशनल हाईवे 43, अब ये अगेन ऑड नंबर है, ये अगेन ऑड नंबर है तो हॉरिजॉन्टल होगा, देखते हैं इसको। सो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कटनी, उमरिया, शहडोल, तो देखिए ये वाला जो पैच है यहाँ से कटनी वाला, सो कटनी, कटनी से उमरिया, उमरिया से शहडोल, शहडोल से अनूपपुर यानी अमरकंटक, सो अमरकंटक, राइट। और फिर सॉरी अनूपपुर, अनूपपुर एंड देन अनूपपुर से फिर ये निकल जाएगा अंबिकापुर, ठीक है। तो अमरकंटक तो हम नेशनल हाईवे 45 में देख चुके हैं और ये जा रहा है आपका अनूपपुर होते हुए अंबिकापुर। तो छत्तीसगढ़ में जो मेजर स्पॉट्स हैं, अंबिकापुर जा रहा है नेशनल हाईवे 43, 45 जा रहा है बिलासपुर और नीचे का जो 30 है वो जा रहा है रायपुर। तो ये तीन रोड अलग अलग एंटर करती हैं छत्तीसगढ़ में MP से।
यहाँ पे राजस्थान और यूपी से रोड्स एक्सटेंड होती हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी राजगढ़ साइड सेंटर हो रही है, गुजरात साइड सेंटर हो रही है, और नीचे नागपुर में जाके बहुत बड़ा मीटिंग पॉइंट है, और इधर धुले और नासिक। सो ए बी रोड की अगर मैं बात करूँ सिंपली, तो 46 दिस इज योर 46 पैच एंड दिस इज योर 52 पैच। तो ए बी रोड, ओल्ड ए बी रोड इज इक्वल टू 46 प्लस 52। इस पर मैंने रील भी बनाई थी और चैनल पर डाली थी, बच्चों को बहुत पसंद आई। ठीक है, तो याद रखिएगा 46 प्लस 52। तो ये एक बेसिक आउटलाइन मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे और बता देता हूँ, देख लीजिए। नेशनल हाईवे 135 BB कनेक्ट्स नेशनल हाईवे 30 विद 35। ठीक है, सो ये जो रीवा से आपका नेशनल हाईवे एक्सटेंड हो रहा था, ये वाला जो पैच है यहाँ पे, दिस इज द नेशनल हाईवे 135 BB। ठीक है, ये याद रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। 339 BB 9 किलोमीटर का है, महोबा से छतरपुर। तो ये वाला जो पैच था यहाँ पे, दिस इज योर 339 BB। सो दिस इज कनेक्टिंग विद अदर स्टेट्स, राइट, कनेक्टिंग बिटवीन टू मेजर नेशनल हाईवे। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन टू मेजर नेशनल हाईवेज, और यही वो शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवेज हैं। याद रखिएगा 7.5 किलोमीटर 7.5 एंड 9 किलोमीटर्स, राइट। चलिए, तो अब जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। दिस वॉज द क्वेश्चन आज लास्ट ईयर। देखिए, नेशनल हाईवे 30, पहले तो खजुराहो पूछ रहा है। खजुराहो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल वाले पे है, इस तरह का कुछ नेशनल हाईवे जा रहा था, राइट। तो ऑड नंबर का होगा, सो ऑड नंबर का एक ही है, तो 39 हो गया आपका 2 का 1। तो देखिए बी का 1 आंसर करेक्ट हो गया। दूसरी बात, सागर नेशनल हाईवे 44 में था, ग्वालियर से आ रहा था सागर, सागर से करेली, नरसिंहपुर, लखनादौन, सिवनी, लाइक दिस। तो 44 कौन सा है, डी, डी का सागर हो गया, सो डी का 3 हो गया, राइट। सो डैट्स हाउ यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। नेशनल हाईवे 30 कहाँ से जाएगा, भोपाल से तो जा नहीं सकता, 30 इन द ईस्टर्न डायरेक्शन है। अभी हमने देखा था 139 BB, देन कटनी, देन जबलपुर, और फिर मंडला, एंड इस तरह से यहाँ पे क्रॉस कर गया था। तो जबलपुर कहाँ पे आ गया आपका, नेशनल हाईवे 30 या 46 बचा जो भोपाल पे आ जाएगा। 46 आपको पता ही है, दिस इज योर ब्यावरा एंड देन भोपाल, देन अब्दुल्लागंज, देन नर्मदापुरम एंड देन बैतूल। सो दिस इज योर 46। तो इस तरह का मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन MBPSC ने लास्ट ईयर पूछा था। अब अगर आप इस वीडियो को समझ गए हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। बिफोर गोइंग अहेड मैं काम करता हूँ, आपको एक बार फिर से जल्दी से ब्रीफली बता देता हूँ कि चीजें कैसे फ्लोट कर रही हैं, जस्ट हाउ टू रिमेंबर। देखो, ऑड नंबर है, सबसे पहले 39 ड्रॉ कर दो, उसके बाद कौन से ड्रॉ कर देते हैं, 43 ड्रॉ कर देते हैं, चलिए कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर एंड अंबिकापुर। तो यहाँ पे आपका 39 हो गया, उसके बाद 43 हो गया, उसके बाद 45 कर देता हूँ, तो डिंडोरी, अमरकंटक से जबलपुर, एंड जबलपुर से मैंने बाड़ी, बरेली, गौहरगंज एंड देन अब्दुल्लागंज पे एंड हो जाएगी। सो ये आपकी 45 हो गई। 45 के बाद 47 करना है, तो बैतूल, ये वाली जो नागपुर जा रही थी, दिस इज योर बैतूल, एंड देन यहाँ पे कन्नौद होते हुए इंदौर, एंड देन झाबुआ, एंड देन दाहोद। सो दिस इज योर 47। तो ये चार ऑड याद कर लो, जिस सीक्वेंस में मैंने अभी बनाया है इसी सीक्वेंस में रिवाइज करना आप लोग, ठीक है। दूसरी चीज, अब मैं यहाँ पे आपको वर्टिकल वाले सारे बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो 52 वेस्टर्न मोस्ट में, 52 कहाँ से आएगी, ब्यावरा, ठीक है, ब्यावरा से फिर इंदौर, इंदौर से सेंधवा, और फिर धूले, 52 हो गई। 46 कर लेते हैं, डिक्रीज हो रहा है, देखिएगा यहाँ पे 52 है और यहाँ पे जाते जाते ये 30 हो जाएगी। सो यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा था, इनिशियली भी मैंने ये बात बोली थी। तो 46 यहाँ से ब्यावरा ही, ब्यावरा से भोपाल, अब्दुल्लागंज, नर्मदापुरम, बैतूल, यहाँ पे एंड हो गई। इसके बाद 44 आई सीधे सीधे सागर, आई सागर से करेली, नरसिंहपुर, लखनऊ, सिवनी एंड देन नागपुर, राइट, यहाँ वाली भी आ जाएगी फाइनली 47, और नागपुर में दोनों मिल जाएंगे। इसके बाद छतरपुर 34, जबलपुर आती है और फिर लखनऊ आ जाती है, उसके बाद 30 रीवा से जबलपुर आती है, एंड देन मंडला होकर यहाँ निकल जाती है। सो आपके पास 30 भी हो गया, 34 भी हो गया, 44 भी हो गया, 46 भी हो गया, और 52 भी हो गया। इसके अलावा एक छोटी सी 56 भी आती है जो भाबरा से होके जाती है अलीराजपुर में, तो ये भी एक चीज याद रख सकते हैं। सो 30 से लेके 56 तक बहुत इजीली हमने चीजों को समझ लिया। आप इसी मैप से जो मैंने दिखाया है याद रखिएगा, और एक बार अपनी कॉपी में भी ड्रॉ कर लीजिएगा अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है चंबल एक्सप्रेसवे रिलेटेड टू द एग्जाम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चंबल एक्सप्रेसवे 404 किलोमीटर का है, ये आपको याद रखना है। MP इसमें से 309 किलोमीटर है,
सेकंड रैंक पे राजस्थान है लेंथ वाइज, और थर्ड पे यूपी। और ये कनेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे कोटा से कनेक्ट किस चीज़ का हो रहा है, और यहाँ से इटावा पे कनेक्शन हो रहा है, तो इटावा एंड यहाँ पे कोटा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, तो शिवपुर आएगा, मुरैना आएगा, और भिंड, तीन डिस्ट्रिक्ट होके ये चंबल एक्सप्रेसवे जाएगा। इसका भी रिसेंट नेम क्या है, अटल प्रगति पथ, ठीक है, बस इतनी बात याद रखना एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है नर्मदा एक्सप्रेसवे, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। नर्मदा एक्सप्रेसवे नर्मदा के किनारे किनारे एक्सप्रेसवे बनाने का टारगेट है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो। स्टार्ट कहाँ से होगा, जहाँ से नर्मदा ओरिजिनेट हो रही है यानी अमरकंटक। एंड कहाँ पे होगा, बड़वानी एंड अलीराजपुर एरिया में एंड होगा, क्योंकि यहाँ से बाउंड्री बनाते हुए ये गुजरात में एंटर कर जाती है, फिर सरदार सरोवर डैम और फिर वहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो अमरकंटक से अलीराजपुर, इस ट्रैक को याद रखिएगा, अमरकंटक से अलीराजपुर चलेगी आपकी नर्मदा एक्सप्रेसवे इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ओरिजिन तो अमरकंटक है, इसके बाद इसको अहमदाबाद तक स्ट्रेच करने का प्लान है। इनिशियली इसको अलीराजपुर के बाद अंकलेश्वर ले जाने का प्लान था, जहां पे इसका माउथ है, लेकिन बाद में इसके प्रोजेक्ट्स में चेंजेस हुए और इसको अलीराजपुर से घुमा के अहमदाबाद तक कनेक्ट करने का प्लान बनाया गया, ठीक है। सो 1265 किलोमीटर इसकी लेंथ है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये एक अगेन अ चार्ट है, इस फिगर को आप अपना स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं जस्ट फॉर द रिवीजन, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं, वापस से मैं एक बार लिख देता हूँ, देखिए 47, वेरी गुड, ठीक है। देन यहाँ पे ब्यावरा वाली 52, देन 46, ऐसी ब्लैंक मैप में आप भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम में जाने से पहले, 46, फिर ग्वालियर से झांसी सागर होते हुए क्या हुआ, 44, वेरी गुड। छतरपुर से कौन सा होगा, 34, और उसके बाद रीवा से कौन सा होगा, 30, तो वर्टिकल सारे हो गए आपके। हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं यहाँ पे 39, उसके बाद यहाँ कटनी वाली बनी नहीं है वो भी ड्रॉ कर लेता हूँ, तो 43, उसके बाद अमरकंटक से लेकर अब्दुल्लागंज वाली 45, उसके बाद झाबुआ से लेकर बैतूल होते हुए नागपुर होने वाली 47, सिंपल एंड गुड, बहुत ही इजीली सारे आपको नेशनल हाईवेज याद हो गए, राइट। तो आप लोग जो भी मैंने सिलेक्शन में पढ़ाया बहुत ही क्रिस्प वे में मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% एक्यूरेसी से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है। एक फैक्ट और बता देता हूँ आपको, लास्ट फैक्ट, कि नेशनल हाईवेज की क्रॉसिंग किसको बोला जाता है। अगर मैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करूँ, तो जो नेशनल हाईवे 27 था, डेट वॉज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, एंड नॉर्थ साउथ के लिए कौन सा कॉरिडोर था, 44, तो आपको पता है 44 यहाँ झांसी से निकल रहा है, और 27 भी ऐसे राजस्थान से आके एंड देन झांसी क्रॉस करता है, तो एमपी में एंटर होता है 27 और शिवपुरी से जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ कट करते हैं, ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, तो आंसर शिवपुरी होगा, ओनली प्लेस इज शिवपुरी होगा। लेकिन अगर पूछता है कि ये दोनों एक दूसरे को कट जनरली कहाँ करते हैं, राइट, तो आंसर वुड बी झांसी। एमपी में कहाँ कट होता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो शिवपुरी। ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ आपस में एक दूसरे को कहाँ कट करते हैं, तो झांसी। बस ये लास्ट पॉइंट है, तो हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। सो आप सबके लिए मेरी गुड विशेज हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जरूर लगा लीजिए, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जरूर लगा लीजिए, अभी भी टाइम है, 10 डेज बचे हैं, 10 to 13 डेज, टेस्ट सीरीज लगाइए, FLT सॉल्व करिए और क्वेश्चंस को मेमोराइज कर लीजिए। जितना क्विकली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेक्चर्स में, उसी तरह आप लोग भी टिप्स पे ले आइए, फैक्ट्स को मेमोराइज करके 100% एग्जाम आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।